नवरात्रि से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा MH1 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। श्रद्धा दर्शन के इस खास कार्यक्रम में हम ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं के विषय में आपको बताते हैं। जी हाँ, हम बताते हैं कि क्या चीज़ें आपके जीवन में उचित हैं और क्या अनुचित। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष पर। अंक किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, अक्षरों द्वारा किस प्रकार हम सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं, इस तरह के तमाम प्रश्न आपके जहन में भी होंगे। उनके उत्तर आज हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित, जी हाँ, जो आज समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, अंक ज्योतिष के ज्ञाता नितिन गुप्ता जी से शुभारंभ करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम का। बात करेंगे नितिन जी के साथ। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मल्लिका जी। शुरुआती दौर में बता दें, यदि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। यदि किसी कारणवश आपका कॉल नहीं लग पाता है, संपर्क नहीं हो पाता है, आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे लगातार स्क्रॉल में हमारी ईमेल आईडीज आ रही हैं, आप उन आईडीज पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। नितिन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अंक ज्योतिष होता क्या है और किस प्रकार इससे जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ये आप हमें विस्तारपूर्वक बताएं। मौलिका जी, जैसा कि नाम से विदित है अंक ज्योतिष, तो अंक का विज्ञान, अंकों का ज्योतिष, ज्योतिष का मतलब है वो ज्योति जो हमें राह दिखाए, हमारा मार्गदर्शन करे। तो जब अंकों के आधार पर हम मार्गदर्शन लेने का प्रयास करें, उस अध्ययन को हम लोग अंक ज्योतिष कहते हैं। अंक जैसे सब लोग जानते हैं, 10 अंक होते हैं बेसिकली, 0 को मिला के, अदरवाइज 9 अंक होते हैं। तो इन अंकों की अपना एक एनर्जी है, जैसे कि 9 प्लैनेट हैं। वास्तव में ज्योतिष और जो न्यूमरोलॉजी है, अंक शास्त्र है, ये बहुत इंटरमिंगल्ड हैं, ये आपस में बिल्कुल एक आपस में गुंथे हुए एक विज्ञान है। जब आधार जो स्टार्ट हुआ था अंक शास्त्र, ग्रीक सभ्यता जो है, यहूदी लोग जो हैं उन लोगों ने इस पर ज़्यादा काम किया, और बाद में वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ये विज्ञान आया। पर जो इस पर जो मेन इस पर इसका इफेक्ट आता है वो है कि 9 प्लैनेट्स के साथ इसका सिंक किया जाता है, कि 9 ग्रह जो हैं वो 9 ग्रहों के साथ ही 9 अंकों कॉरस्पॉन्ड किया जाता है, और उसके आधार पर इनके प्रभावों को देखा जाता है। तो बिना ज्योतिष के ज्ञान के अंकों का ज्ञान काफी हद तक अधूरा रहता है, ऐसा हमारी मान्यता है। कि आपके पास प्रेडिक्शंस के लिए आता है, समस्याएं लेकर आता है, क्योंकि वो समाधान चाहता है, तो उनका समाधान किस प्रकार कर सकते हैं, अंकों को देखकर करते हैं या फिर उनके नाम के बिहाफ पर आप लोग करते हैं? देखिए, अंक नाम के कारण भी अंक हैं, क्योंकि हम हर नाम के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, और उसके आधार पे एक टोटल निकाला जाता है नंबर, और उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे भी नंबर लिए जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग डिटेल्ड उनका एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एनालिसिस करते हैं, जिसके आधार पर नंबरों की शक्ति का पता लगता है, कि उनके 9 के 9 नंबरों की शक्ति क्या और क्या फल देते हैं। हर नंबर का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है। अगर आप कहें सूर्य एक नंबर है, तो एक नंबर का एक नेचुरल एट्रीब्यूट है कि वो अथॉरिटेटिव है, लेकिन क्या वो एक नंबर आपके जीवन में आपके लिए वो फलदायी परिणाम लाता है जो आप चाहते हैं, कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, आपके लिए लकी साबित होता है? तो हमारी रिसर्च के मुताबिक ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप एक तारीख को पैदा हुए और आपका एक नंबर है, या आप 10 तारीख को पैदा हुए और वो एक नंबर आपके लिए लकी ही रहेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं कि जिनके जीवन में वो नंबर कोई खास मटेरियलिस्टिक वेल्थ लाने वाला नहीं होता। तो हम लोग पूरी 9 के 9 नंबर्स की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, और फिर उनकी स्ट्रेंथ को उनके घरों में, उनके वर्क स्पेसेस में भी चेक करते हैं, वो स्ट्रेंथ कहाँ है, और वो कंप्लीट एनालिसिस करके हम लोग ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, कारण क्या है उसका, और फिर हम उनको उपाय देते हैं। जी, अक्षरों के आधार पर किस प्रकार आप लोगों को बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें ठीक है, ये ठीक नहीं है? अक्षरों, मैंने बताया कि हर अक्षर का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक वेटेज होती है उसकी, और उसमें भी फिर वॉवल्स का अलग है, और कौन सा जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उनका अपना अलग अलग रोल है, और फिर टोटल मिला के जो नाम की वैल्यू है वो, फिर मिडल नेम और सरनेम, जो आपका मध्यम नाम है और जो कुल नाम है आपका, उपनाम है, वो उनका भी एक कंप्लीट टोटल निकल के एक वैल्यू निकल के आती है। तो वो व्यक्ति के क्या नंबर्स निकल के आए हैं, उन नंबर्स के आधार पर ये बताया जा सकता है कि वो व्यक्ति की क्षमताएं क्या हैं। हम उसको टैलेंट नंबर बताते हैं, कि वो टैलेंट्स क्या क्या हैं उस व्यक्ति के।
इसलिए यदि आप अपने प्रोफेशन में सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो कहीं अगर आपके नाम में गड़बड़ हुई, आपका नाम का नंबर ऐसा आता है जो आपके प्रोफेशन को सूट नहीं करता या आपकी लाइफ के लिए इन जनरल ही सूट नहीं करता, दोनों ही केस में वो रुकावट पैदा करेगा। तो अगर केवल नाम में थोड़ा सा भी उसमें बदलाव करना कोई गुंजाइश हो, जिससे नाम ऑकवर्ड ना लग जाए, एकदम ऑल टुगेदर चेंज ना हो जाए, उसकी प्रोनाउंसिएशन बिगड़ ना जाए, और वो करके आपका नाम एक सही नंबर पे आ जाता है, तो वो रुकावट भी दूर हो जाती है। ये चेंजेस करने से व्यक्ति के जीवन में हम लोग बदलाव ला सकते हैं। जी निधि जी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो कहते हैं कि जन्मपत्री में जो नाम था वो अक्षर का चुनाव नहीं हुआ, माता पिता ने ऐसे ही नाम रख दिया, तो हम चाहेंगे उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे आप सॉल्व करते हैं, और अगर व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति है तो वो क्या करें? ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो जन्म में नाम रखने की परंपरा थी हमारे हिंदू सभ्यता में शुरू से, कि चंद्रमा के आधार पर नामाक्षर डिसाइड किया जाता था जन्म के समय, उसका जो मूल प्रयोजन था वो क्या था वो समझना ज़रूरी है। वो मूल प्रयोजन ये था कि यदि व्यक्ति के जन्म की तारीख, समय, उसका जन्मपत्री हॉरोस्कोप अवेलेबल नहीं है, तो केवल अगर नामाक्षर उस तरह से रखा है तो नाम के अक्षरों के आधार पर उसकी पत्री बनाई जा सके, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र उससे पता लग जाता है, तो उससे पूरी का पूरा हॉरोस्कोप बनना पॉसिबल हो जाता है। तो ये उसका मूल आधार था। अब यदि ऐसा व्यक्ति हमारे पास आता है और अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना, वो किस विधि से किया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हम लोग उनके लाइफ के पुराने रिकॉर्ड को देखते हैं, उनकी लाइफ में कब कब प्रॉब्लम आई, कब कब उनके लिए फेवरेबल टाइम था और किस समय पर वो हमारे पास आए हैं, उन आधार पे प्लस उनके नाम के नंबर्स के आधार पे और जो उनकी लाइफ में लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, उनके नंबर्स के आधार के हम लोग काफ़ी कुछ उनके बारे में उपाय करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। उनके घर में चेंजेस करके, उनके लाइफ में चेंजेस करके, उनके नाम में या उनके जो कलर्स पहनते हैं, रतन पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, वो कम्प्लीट एक एनालिसिस करके काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान दिया जा सकता है। क्या व्यक्ति के अक्षर या फिर जैसे यदि उसका नाम कुछ भी है, नीतू है, एक ना शब्द के जुड़ाव से क्या व्यक्ति के जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है, ये संभव है? ये तो आप लोग, बहुत सारे लोग देखते होंगे, आजकल तो एक ट्रेंड है फिल्म इंडस्ट्री में खास तौर पे, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स हैं अपने नाम के अंदर रोज़ बदलाव करते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए भी हैं, कई लोगों को अभी तक वो कई बारी चेंज कर चुके, रिजल्ट नहीं आया। तो ये डिपेंड करता है, ये क्षमता बिल्कुल है, यदि नाम के अक्षरों में आप एक अक्षर भी जोड़ते हैं और कोई भले व्यंजन जोड़े, भले आप स्वर जोड़ें, पर उसका एक बिल्कुल प्रभाव आता है, क्योंकि उसने आपके ओवरऑल वैल्यू को चेंज कर दिया है, नाम की आपकी वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। एक व्यक्ति के जो वाइब्रेशन है उसके ऊपर, जिन ऊर्जाओं का प्रभाव है उसके ऊपर, वो प्रभाव 5 नंबर का आ रहा है कि 6 का आ रहा है कि 7 का आ रहा है, वैसा ही उसका टेम्परामेंट, वैसे ही उसका व्यक्तित्व चेंज होता जाता है। तो आपके नंबर के, आपका अगर कोई अल्फ़ाबेट उसमें जोड़ा गया है या उसमें निकाल लिया गया है, उसका डेफिनेटली बहुत बड़ा प्रभाव आ सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसमें उसको निर्धारित किया गया है। लेकिन नितिन जी, कई बार हम देखते हैं व्यक्ति की जन्म कुंडली में एक शब्द अगर आया है, एम शब्द आया है, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, ये परमात्मा की देन ही कहा गया, उसने उस परमात्मा के दिए उपहार को स्वीकार नहीं है, उसने स्वयं के अक्षरों का चुनाव करके अपनी जिंदगी को चलाना चाहा, क्या ये ठीक है? मेरी नज़रों में, हमारी न्यूमरो वास्तु की जो अपनी रिसर्च है इस विषय में, उसके आधार पर इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने जो नया अक्षर और नया नाम जो भी आपने सोचा है, वो नाम आपके लिए फलदायक होना चाहिए। यदि वो नाम आपके लिए परेशानी का कारक है, मैंने कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है कि यदि चंद्रमा के आधार पर, हॉरोस्कोप के आधार पर भी नामकरण किया गया है, तो वो नाम भी कई बारी लोगों के लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है। तो नाम सहायक होना बहुत ज़रूरी है, वो आपने चाहे हॉरोस्कोप के आधार पर लिया है या आपने अपनी इच्छा से लिया है या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पर लिया है, इसका कोई फर्क नहीं है, नाम सही होने की बहुत ज़रूरत है। जी, अंक ज्योतिष में ग्रहों की कैसी स्थितियाँ होती हैं, ये भी आप हमें बताएं। अंक ज्योतिष में और नॉर्मल ज्योतिष में ग्रहों में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्योतिष तो ज्योतिष है, ग्रह अपनी जगह पे हैं, इंसान के बनाए हुए नहीं हैं। इनफैक्ट मैं तो मेरे मन में, जब मैं छोटा था, मेरे मन में प्रश्न आता था, मैं आई वाज अ टोटल नॉन बिलीवर इन न्यूमरोलॉजी, मेरे मन में ये, मैं साइंस टीम से बिलोंग करता हूँ तो मेरे मन में क्यों की ज़्यादा चोहल रहती थी, तो मेरे को लगता था ये काम क्यों करती है साइंस, इसका आधार क्या है, ना तो ये जो लेटर्स हैं ABCD या ना तो ये तो भगवान ने बनाए हैं, कोई ऊपर वाले ने बन के नहीं आए, हमने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं, जो 1, 2, 3 काउंटिंग हम करते हैं नंबर्स हैं, ये भी हमारे ही बनाए हुए सिंबल्स हैं। जब सब कुछ हमारा बनाया हुआ है तो हमारी भाग्य को कैसे वो चेंज कर सकता है और हमारे भाग्य पे कैसे कर सकता है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कभी किसी से नहीं मिला। फिर मैं जब इन फील्ड्स में आया, आज करीब 16 साल के करीब हो गए हैं इसमें अभ्यास करते हुए,
तो धीरे धीरे करके एक अवेयरनेस डेवलप हुई, और एक दिन मेरे को इसका समाधान, अपने ही अकेले में बैठा था तो मेरे को ध्यान में आया कि ये सब कुछ रिलेटिव है। एक्चुअली ये जो साइंस है ये काम करती है एक रिलेटिविटी के कारण। ये साइंस काम करती है, डेफिनेटली काम करती है, लेकिन तब काम करती है जब आप एक कॉन्शियसनेस में आते हैं, जब आप एक सामाजिकता के अंदर आते हैं। यदि कोई एक नंबर का व्यक्ति बैठा और दो बैठा है, तब वो एक हो गया दो के सामने, दो के रिलेशन में वो एक हो गया, उन दो के रिलेशन में कोई तीन हो गया। जैसे एक क्रिकेट टीम है और वहाँ पे 10-11 लोग खड़े हैं, तो सब लोग बराबर हैं, सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे। लेकिन जिस दिन बोर्ड डिसाइड करता है कि तुम कैप्टन हो, वो एक नंबर बन जाएगा, बिल्कुल वो लीडर हो जाएगा। जब तक एक नंबर नहीं बना था तब तक वो लीडर नहीं था, तब तक सब बराबर थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में, उन 11 लोगों के एक ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में वो लीडर हो गया, बिल्कुल विशेष बन गया वो विशेष बन गया। ऐसे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें सब सीट्स बराबर है, राउंड टेबल है, सब सीट बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस क्षण आप ये डिसाइड करते हैं, अच्छा ये प्रेसिडेंट की सीट है, ये फलाने की सीट है, ये इसकी सीट है, तब वो एक व्यवस्था का निर्माण होता है, एक तंत्र का निर्माण होता है, वो रिलेटिविटी काम करती है। और ज्योतिष में और कहीं पे भी वो पाए आप देखें, एक्चुअली उसका आधार ये रिलेटिविटी थी, जो सिर्फ हमारे सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी और हमारे निम्रो वास्तु ने इस बात को बोला है कि आप कोई बच्चे का जन्म हुआ, उसकी पत्री में मंगल ग्रह किसी लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड पे है, किसी भाव में, किसी राशि में है, और किसी दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है, उसके एक बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ, एक अमेरिका में पैदा हुआ, तो लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड में चेंज आ गया, तो कुछ चेंज आ गया, ग्रह तो नहीं बदला, आदमी ने तो ग्रह नहीं बनाया, वो मंगल ग्रह तो अपनी जगह पे वैसे ही बैठे हैं, किसके ऊपर किस तरह से पड़ रहे हैं उसका डिफरेंस है, इट्स ऑल रिलेटिव कि मेरे रिस्पेक्ट में कहाँ है, उस बच्चे के रिस्पेक्ट में मंगल कहाँ है, कहाँ है, बिल्कुल इट्स ऑल रिलेटिव, इसका इफेक्ट आता है एक्चुअली। और यही बेसिक आधार है किसी भी ऑकल्ट साइंस में, आप तंत्र उठाएं, आप न्यूमरोलॉजी उठाएं, वास्तु उठाएं, ज्योतिष उठाएं, कोई भी विज्ञान उठाएं, उपायों का आधार ये रिलेटिविटी ही है कि एक व्यक्ति को, ये हमारा अपना रिसर्च वर्क है कि हम नाम में बदलाव करके दो लोगों का रिलेशन ठीक करवा सकते हैं बिल्कुल। और हमारे पास ये रिसर्च है, प्रूवन रिसर्च है, यूट्यूब पे वीडियो है जहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस बात को कि आपके मोबाइल फोन में एक व्यक्ति का नाम आपने बदल लिया और उससे आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया या इंप्रूव हो गया, बिल्कुल। इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपसे अवश्य लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, इस खूबसूरत चर्चा के साथ हम पुनः हाजिर होते हैं। नूडल्स? नो जंक फूड जी। करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं अंक ज्योतिष के ज्ञाता नितिन गुप्ता जी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे नितिन जी का। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत बातें आप इस कार्यक्रम के जरिए हमारे तमाम दर्शकों को बता रहे हैं। एक विशेष बात जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछना चाहा था, क्या वास्तविकता में जीवन ये संभव, क्योंकि काफी सारी ऐसी लव मैरिजेज आती हैं जिनकी कई बार डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करती, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में आप किस तरह डील करते हैं उन लोगों को, आप हमें बताएं। मौलिका जी, ये हमारा अपना एक रिसर्च वर्क, ओरिजिनल रिसर्च वर्क है, 5-पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस। तो प्राचीन काल में या ट्रेडिशनली जो काम होता है एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ पे अष्टकूट मिलान होते हैं, जहाँ पे लड़का लड़के के हॉरोस्कोप को मिलाया जाता है। हम लोगों ने एक 5 नंबर्स का एक बहुत सरल एक सिस्टम डेवलप किया है, अगर आप उसके आधार पर कंपैटिबिलिटी मिला के देखेंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी से नज़र आएगा कि ये दो व्यक्ति का आपस में मिलन होता है, आपस में इनका कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, यदि नहीं है तो किस हद तक नहीं है, किस हद तक हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और यदि है तो वो क्यों है। तो वो नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी निकालते हैं, 5 में से उसमें से 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आते हैं और 3 नंबर नाम के आधार पर आते हैं जी। तो जिन लोगों को अगर डेट नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, केवल नाम है, हमने अपनी रिसर्च में पाया कि केवल बोलते हुए नाम जो हैं, आपके ओरिजिनल नाम हो सकता है राहुल हो या कोई और नाम हो, और आपने एक निक नेम रख लिया उनके लिए, रिकी नाम रख लिया, वो निक नेम
ऐसे केस आए जहाँ पे दो हस्बैंड वाइफ हमारी वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं उसमें आए और उन्होंने वो सिस्टम पढ़ा और बोला जी हमारा तो कुछ भी मैच नहीं करता इसमें, लेकिन हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि आप लोग एक दूसरे को कोई निकनेम से बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम काकू और बाबू नाम से बुलाते हैं। ठीक है। तो वो नाम का जब हमने उसका निकाला और देखा तो 100% कंपैटिबिलिटी थी। तो बोलते हुए नाम अगर हम सही आपस में सिंक करते हुए रख लें, ऐसी वाइब्रेशंस पे उसको सेट करें जो दोनों के लिए कंड्यूसिव हो, शादी हुई है तो किसी ना किसी शक्ति ने तो वो अलाउ करा है उस इवेंट को, कोई कॉमन फैक्टर तो डेफिनेटली है जिसने अलाउ करा है। अगर हम उस कॉमन फैक्टर को पकड़ पाए और हम उसके आधार पे उस नंबर पे उनको सेट कर दें, उन दोनों नामों को जो निक नेम्स हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके हॉरोस्कोप मैच नहीं होते तो भी आपका रिलेशन एक अच्छे अवस्था में बनता रहेगा। जी नितिन जी, क्या आप लोगों को स्टोन्स भी रिकमेंड करते हैं? क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि उपाय स्वरूप आप क्या विशेषता है आप में जो लोग आपके पास आते हैं, इतने सारे लोग हमने खुद देखा है कि लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक आप हमें बताएं। देखिए, उपायों के लिए जो उपाय, बहुत सारे उपाय पॉसिबल होते हैं, देश काल और समय के हिसाब से आप उसके उपायों को निर्धारण कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम को सही समझें। कोई व्यक्ति जब परेशानी में आया है तो सबसे पहले समझे इसकी परेशानी का मूल कारण है क्या, कहाँ पे अटका हुआ है। सिर्फ हम ये ना सोचे कि भाई हमें अपना प्रभुत्व दिखाना है तो हम इसको चार रेमेडीज़ बताएं तो ये खुश होकर जाए कि भाई इन्होंने रेमेडी बता दी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या यहाँ पे सुई लगेगी कि तलवार लगेगी या कुछ भी नहीं लगेगा। हो सकता है केस में कोई रेमेडी इफेक्टिव होने के चांस ही ना हो, या कोई बिना रेमेडी के कोई सरल सा ही कोई दूसरा कुछ काम करके वैसे ही बात बन जाए, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके बात बन जाए। तो उपायों की अगर हम बात करें तो हमारे एस्ट्रोनोलॉजी सिस्टम में 10 तरह की रेमेडियल टेक्निक्स तो हम पढ़ाते हैं, जिसमें कि जेमस्टोन भी एक टेक्निक है, रत्न का निर्धारण और नाम का जो नाम में बदलाव है वो है, सिग्नेचर एनालिसिस है, और कई किस्म के कलर्स टेक्निक हैं, वास्तु कलर टेक्निक है, एस्ट्रो कलर टेक्निक है, कई किस्म के उपाय होते हैं। आप क्या अन्न खाते हैं, क्या आप कपड़े पहनते हैं, किस दिन को आप क्या काम करते हैं, किस दिशा में आप क्या काम करते हैं, आपके घर में कौन सी दिशा में क्या चीज़ बनी हुई है, या आप क्या एक्टिविटी में क्या सामान वहाँ पर रखा हुआ है, इस तरह की कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके द्वारा आप जो डेविएशंस हैं, जो इम्बैलेंसेज हैं, उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। हम एक माध्यम मात्र है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हम किसी के भाग्य विधाता नहीं हो सकते। हम लोग केवल एक साइंस की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं कि हम ये समझें कि प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है और उसको सही सही समझ के उसको हम हटा दें और उसको वापस बैलेंस में लाने के लिए जो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दें। जो चीज़ आपके ध्येय के लिए, आपके पर्पज़ के लिए, जो डिज़ायर हैं आपकी, आपकी जो चाहत है, जो फल आप चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट कराने की तरफ जो आपको लेके जाए, उस तरफ आपको प्रवृत्त कर दें, उस लाइन के ऊपर आपको अलाइन कर दें। हम एक अलाइनर नंबर की बात करते हैं, वो आपको रीअलाइन कर देता है आपके गोल्स के साथ, आपकी लाइफ के पर्पज़ के साथ, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उस पर्पज़ को पूरा करने की तरफ आपको आपको सेट कर दें। बाकी आपका कर्म और आपका भाग्य है। इंसान जो ईमानदारी से, नियति से, अपना एक क्लियर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ता है, डेफिनेटली दे विल गेट रिजल्ट्स। जी काजे, अंक ज्योतिष में भी कर्म और भाग्य का समावेश होता ही है। जी जी, इस पे बहुत लोग पूछते थे कि अगर भाग्य सब कुछ है तो कर्म का क्या रोल है, और अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर वास्तु और ज्योतिष बीच में क्या काम कर रहे हैं, इनकी क्या आवश्यकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन पिछले सालों में इतना बार मेरे पास आया, मैंने इसका एक वीडियो हिंदी और इंग्लिश में बना के रख दिया है। तो मेरी थ्योरी ये कहती है कि हम लोग सबसे पहले तो ये बात क्लियर करते हैं कि हम लोग किसी के भाग्य विधाता नहीं हो सकते, हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, क्योंकि भाग्य पूर्व जन्मों के संस्कारों से निर्मित होता है, ऐसा हम मानते हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस जीवन में आपके पास क्या गुंजाइश लेके आप लोग पैदा हुए हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कितना पैसा, कितना प्रेम, कितनी सेहत, क्या क्या चीज़ें, कितनी एजुकेशन आपके पास गुंजाइश पॉसिबल है, और प्रेजेंटली आप कितना प्राप्त कर पा रहे हैं, और प्रॉब्लम आ रही है तो किस फील्ड में आ रही है और क्यों आ रही है। वो जो इम्बैलेंस है, वो जो गैप है, उसको क्लोज करने के लिए रेमेडीज़ हम लोग दे सकते हैं। हमारा काम सिर्फ उतना तक देने का है, जैसे डॉक्टर का काम है कि यदि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको समझे कि वो इम्बैलेंस, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो डिज़ीज़ क्यों आई है, और फिर उस डिज़ीज़ को हटाने के लिए आपके लिए जो पॉसिबल मेडिसिन या ट्रीटमेंट है वो आपको रिकमेंड कर दें। वो रिकमेंडेशन के बाद आप कितना ठीक हो जाएंगे और वो किस हद तक ठीक होंगे और फिर वो दोबारा बीमारी आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं की जा सकती डॉक्टर की तरफ से, लेकिन डॉक्टर का काम है उसको आइडेंटिफाई करके सही सही सॉल्यूशन उसका दे देना। ठीक, तो वो ये नहीं कह सकता कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो भाग्य है। बिल्कुल।
दोबारा बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे वो भाग्य है, लेकिन आज क्या प्रॉब्लम है उसका करना वो एक एक्सपर्टीज है। लेकिन नितिन जी, इस गैप को क्लोज किया कैसे जाए ये जानना चाहते हैं। जी, इसके लिए मैंने बताया कि जैसे कि 10 रेमेडियल टेक्निक्स तो हम लोग पढ़ाते ही हैं अपने वर्कशॉप में, इसके अलावा कुछ और रेमेडीज हैं जो कुछ अनुभव हो चुका है तो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। तो इसके लिए नाम के जो अक्षर हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जन्म तारीख को आप नहीं बदल सकते, जन्म तारीख तो फिक्स है, लेकिन आप क्या बदल सकते हैं, आप अपने नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने इर्द गिर्द के सामान में, अपने पहनने वाले कलर्स में, अपनी डायरेक्शंस में, अपने जो कर्म हैं उनको करने के स्टाइल में या कर्मों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस लाकर आप अलाइन हो जाएंगे सही दिशा की तरफ। क्या आपकी पद्धति में रंगों का भी समावेश होता है? जी, रंगों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और बहुत पावरफुल टूल है रंग। ये आप चाहे अपने बॉडी पर पहनते हैं, आप जेमस्टोन के रूप में पहनते हैं, या आप कपड़ों के रूप में पहनते हैं, या फिर आप अपने घरों में कोई रंग का सामान रखते हैं, या आप दीवारों पे कोई रंग करते हैं, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कोई कलर का बल्ब भी जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उसका भी इफेक्ट आता है। तो रंगों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जी, बहुत खूबसूरत बातें आप हमें बता रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते संदेश स्वरूप भी ज़रूर कुछ कहें हमारे दर्शकों से। आप संदेश, मैं आज पहली बार मुखातिब हुआ हूँ सबसे, आपसे मिलने का मौका हुआ है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अगर जानकारी नहीं है तो भी जीवन तो चल रहा है। जैसे अगर आपने गाड़ी खरीदी है, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा है, तो वो काम तो करता ही है, आप उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करें या ना करें। लेकिन अगर आपने अपनी पसंद के ऐप्स अपने फ़ोन में डाल दिए हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग ले सकते हैं, अपने फ़ोन से उसको बहुत ज़्यादा और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपये का फ़ोन लिया तो उसमें सिर्फ फ़ोन सुनेंगे, SMS करेंगे, तो हो सकता है आप सिर्फ 1,500-2,000 रुपये तक का उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उसमें अपने यूटिलिटी ऐप्स और कई सारे डाले हैं जो आपके लिए और आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको सहायक हो, तो वो 10,000 की जगह हो सकता है 15,000 का उसमें फ़ायदा ले लें। तो न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेज इसी तरह से हैं, ये विज्ञान आपको मदद करते हैं। आपका जो जीवन हुआ है, आप जो पृथ्वी पे आए हैं किसी पर्पज़ के लिए आए हैं, किसी प्रयोजन के लिए आए हैं, उस प्रयोजन को फुलफ़िल करें तो पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसी हिंदू अवधारणा भी है और हमारा भी ऐसा ही मत है। तो अगर आप उसको पूरी तरह से फुलफ़िल करें, इस लाइफ को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें अपने जीवन का, अपने कर्मों का, अपने व्यक्तित्व का, तो ये बहुत, इससे बेहतर कोई बात नहीं है इस जीवन के लिए। और उसमें न्यूमरोलॉजी के अंक हों या ग्रह हों या दिशाएं, कोई भी विज्ञान हो, ये विज्ञान आपको मददगार होते हैं। यदि आप इसके लिए सही जानकारी रखेंगे और सही इसका उपयोग कर पाएंगे, शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे, प्रॉपरली इसको समझ के वैज्ञानिक तल पे इसको काम करके और समाधान करेंगे, तो आपके जीवन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और मैं सब लोगों को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा अच्छा उसका उपयोग करें और एक बहुत समृद्ध, खुशहाल, परिपूर्ण जीवन आपका हो, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत छोटी छोटी, बहुत ही सरल बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें बताई, जिनको हम अपने जीवन में अपना के खुशहाल जीवन में बिल्कुल कर सकते हैं। नितिन जी, आज आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, लेकिन यदि आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।